वाइफ्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा और ना कभी सोचा होगा उसके बारे में। तो दोस्तों, वो है भरतपुर का दुर्ग, जिसको ना तो कोई अंग्रेज जीत पाए ना कोई मुगल शासक जीत पाए। काफी मशक्कत के बाद भी उसको कोई हासिल नहीं कर पाया था। तो भाई, आज चलते हैं उसको देखते हैं कैसा है वो दुर्ग। तो भाई चलते हैं और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी मजा आने वाला है। हेलो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं लोहागढ़ दुर्ग और आप सामने देख रहे हैं यह सुजान गंगा नहर, जो कि लोहागढ़ दुर्ग से पहले पड़ती है। और आप सामने देख रहे हैं ये लोहागढ़ की दीवार है, काफ़ी मोटी है। और गाइज, अब चलते हैं आगे, अंदर से भी देखते हैं कैसा है लोहागढ़ दुर्ग। ये एक ऐसा दुर्ग है गाइज, जो कि इसको कोई भी जीत नहीं पाया और ये भरतपुर जिले में है। और गाइस, हम अब आ गए हैं गेट पर और चलते हैं अब अंदर। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं टिकट घर, अब हम टिकट ले लेते हैं और फिर घूमेंगे। तो दोस्तों, यह है अंदर से भरतपुर का दुर्ग। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और ये हमारा टिकट है, मात्र 20 रुपये का टिकट है। तो गाइस, अब चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर से इतना अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो दोस्तों, हम चल दिए अंदर और देखते हैं ये क्या क्या चीज़ है, चाकू, तलवार। और गाइस, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बंदूक हैं इसमें। और अब चलते हैं और भीतर, एक सिक्योरिटी गार्ड की मूर्ति है। और देखिए दोस्तों, ये बंदूक हैं, राजा के टाइम की हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं देखने में। और गाइस देखिए सामने कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, ये गोले हैं गाइस, एक छोटी सी तोप रखी है, कितनी अच्छी लग रही है। और गाइस, ये है एक काफी बड़ा हॉल है, ये कितना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नाग महाराज जी हैं, देखिए क्या फन को चौड़ा के बैठे हुए हैं। ये मछली है जो पीतल की बनी हुई है, गाइस कितनी अच्छी लग रही है। सुंदर है गाइज, एक बार जरूर आएं यहाँ पर और देखकर जरूर जाएं। देख के दोस्तों, और चलते हैं अब आगे और देखते हैं। ये सामने आप मूर्ति मत समझना इसको, देखिए गाइज एक छोटी सी मूर्ति है, जो कि ये तो पता नहीं कौन से भगवान जी की हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी है। देखिए गाइज, ये भी पीतल की बनी हुई है। और आगे दिखाता हूँ गाइज, अब चलते हैं और आगे।
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज, देखिए ये नाग महाराज जी और हैं। तो दोस्तों और देखिए, वैसे गाइज यहाँ पे कैमरा की वीडियो बनाने से बनाए हैं, तो वैसे हमने गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मानी है हमारी बात, तब जाके गाइज बड़ी मेहनत से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। ये हैं महाराजा सूरजमल। तो गाइज अब हम चलते हैं नीचे। तो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ दोस्त।